झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लातेहार जिले में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विरोध में अखिल भारतीय टाना भगत संघ के तत्वाधान में जिले के टाना भक्तों ने तिरंगा झंडा के साथ मंगलवार को लातेहार समाहरणालय पहुंचकर घंटी बजाकर डीसी कार्यालय का घेराव किया। उग्र थाना भक्तों ने समाहरणालय स्थित कार्यालयों को बंद कराकर सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को बाहर निकालकर कार्यालय में ताला जड़ दिया। टाना भक्तों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि जानबूझकर टाना भक्तों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टाना भक्तों को हो रही परेशानी के कारण आज तिरंगा झंडा को लेकर व घंटी बजाकर घेराव करने को मजबूर है। टाना भगत संघ के द्वारा पांचवी अनुसूची का हवाला देते हुए पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग की गई। टाना भक्तों ने किया समाहरणालय का घेराव, कर्मियों को बाहर निकालकर कार्यालयों में ताला जड़ दिया। समाहरणालय में पत्रकारों से बात करते हुए अखिल भारतीय टाना भगत संघ के जिला अध्यक्ष परमेश्वर भगत ने कहा कि आदिवासियों के कई संगठनों ने जिला प्रशासन को कई बार आवेदन देकर पांचवी अनुसूची संविधान के अनुसार कार्य करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पांचवी अनुसूची के अनुसार जिले में स्वशासन गांव का शासन चलेगा। भारतीय संविधान और कानून के अनुसार छोटा नागपुर को विशेष अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा है कि पांचवी अनुसूची के तहत जिले में पंचायत चुनाव के आदेश देकर पंचायती राज विभाग के सचिव ने संविधान का उल्लंघन किया है। इस दौरान एसडीपीओ संतोष मिश्रा, अंचलाधिकारी रुद्र प्रताप, लातेहार बीडीओ मेघनाथ उराव, पुलिस निरीक्षक सहर लातेहार, थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता व डीएन सिंह के द्वारा दलबल के साथ समाहरणालय पहुंचकर टाना भगत को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर टाना भक्तों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा है। पदाधिकारियों के द्वारा की गई वार्ता विफल रही।